चलिए दोस्तों, आज हम जानते हैं स्तूपों के बारे में। स्तूपों को बुद्धिस्ट मॉन्क और महात्मा बुद्ध के एशेज और रिलिक्स को रखने के लिए बनाया गया था। वो बुद्धिज्म रिलीजन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंस शो करते हैं। तो स्तूपों का आर्किटेक्चरल सिग्निफिकेंस तो हम सभी को मालूम है, लेकिन आज हम जानते हैं कि वो ह्यूमन लाइफ से और वैल्यूज़ और प्रिंसिपल के थ्रू उसका क्या सिग्निफिकेंस है। स्तूपों के सिग्निफिकेंस को जानने के लिए हम स्तूप के आर्किटेक्चर को चार पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला होगा अंडा, उसके बाद उसके ऊपर हर्मिका, उसके ऊपर छतराज और बाहर की वॉल जो है तोरण और वेदिका। तो हम इसके बारे में जानते हैं। स्तूपा का बाहरी वॉल जिसे हम वेदिका और एंट्रेंस जिसे हम तोरणा कहते हैं, उस पर हमें ढेर सारे स्कल्पचर्स और पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं, जिनमें बुद्धा की लाइफ स्टोरीज, उनके टीचिंग्स और जातक कहानियाँ होती हैं। उसके बाद आता है अंडा। अंडा सिंबलाइज करता है अल्टीमेट पावर एंड साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ को। अंडे के ऊपर आता है हर्मिका। हर्मिका सिंबलाइज करता है निर्वाणा यानी सेल्वेशन को, और हर्मिका के ही ठीक ऊपर हमें यस्ति मिलता है। यस्ति वो कनेक्टिंग पाथ हमें बताता है जो कि हेवन और अर्थ को मिलाता है, यानी कि पृथ्वी को स्वर्ग से मिलाने वाला, यानी कि जो सेल्वेशन का रास्ता है वो यस्ति से जाता है। और सेल्वेशन पाने के लिए जो तीन चीज़ें हमें फॉलो करनी है, वो सिंबलाइज करता है छत्रा, जो कि तीन ज्वेल्स ऑफ बुद्धिज्म भी हैं, बुद्धा, धर्मा और संघा। तो ये थी कहानी बुद्धिज्म स्तूपा के सिग्निफिकेंस की। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस और अननोन फैक्ट्स के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें टर्टोइज टॉक्स को।